हेलो, मैं प्रोफेसर राजेश सिंह पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिससे जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। इस बार भी जो जी की एकदम बर्निंग पॉइंट है कोरोना वायरस, और यदि अपने भारत की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही भयावह होते जा रही है। 12 लाख से भी ऊपर नए मरीजों का संक्रमित हो चुके हैं और उसमें डेथ भी जो है करीब 10,000 से ऊपर हो चुका है। यदि अपने राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में भी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। आज की डेट में यदि बिहार की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 12,000 से ऊपर जांच हो रहे हैं और जिसमें करीब 1,500-2,000 डेली पॉजिटिव आ रहे हैं। यदि इनकी संख्या देखिएगा तो जैसे जैसे क्या कहते हैं इसकी संख्या बढ़ेगी, जांच की संख्या बढ़ेगी, ओसी ओसी इसकी संक्रमित लोगों की भी संख्या बढ़ेगी। इसके पीछे यदि सबसे बड़ा कारण यदि देखिएगा तो जो हमें बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहां पर भी आप चले जाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, दुकानों में चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, सब जगह लोग बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सुरक्षा के, बिना मास्क लगाए हुए लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। और सोशल डिस्टेंस का यदि नहीं बात करें तो कुछ नहीं है। और यदि यही रहा तो हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे और यह बीमारी भयावह तो हो चुकी है और अधिक भयावह बन के निकलेगी और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान इसमें जा सकती है। और यदि सरकार की तरफ से देखा जाए तो सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सब जगह इसके इंतजाम भी बढ़ाए जा रहे हैं, नए सेंटरों का उद्घाटन भी हो रहा है जहां आइसोलेशन और इलाज हो रहा है। यदि अपने बिहार की बात की जाए तो यहाँ NMCH और एम्स पटना में टोटल कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है जहां पर सिर्फ कोविड का ही इलाज हो रहा है। यह अच्छी बात है कि इसे रिकवरी होने वाले का संख्या बहुत अच्छा है और लोग रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी करने के लिए भी नियम है, उसके अनुसार ही अपने को आइसोलेशन या किसी डॉक्टर के अंडर में रखना है। और जो भी सलाह दी जाती है वो आपके लिए है और हम सब भारतवासियों के लिए है, और इसके थ्रू हम इसको, हम लोग रोक सकते हैं इस बीमारी को। और रोकने के पीछे हमारा मकसद है कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और सबसे बड़ी बात है जो बोलते हैं मास्क लगाना, सरकार भी यदि देखिएगा तो मास्क लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। मास्क लगाने का सबसे अच्छा नियम यदि बोलते हैं तो नाक और मुंह आपका बंद होना चाहिए, हाथ बराबर आपके चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, हाथ को बराबर आप साबुन से या सैनिटाइजर से इसको साफ कीजिए। यदि इसकी नहीं हो पाती है तो बहुत दिक्कत होगी और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी। और पारिवारिक की यदि बात कीजिएगा तो परिवार में ही रह के अभी अपना समय, यदि बहुत जरूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलें और किसी से घर में भी इनवाइट नहीं करें, अपने को आइसोलेशन में रखें ताकि वायरस वर्डन कम हो और आप स्वस्थ रहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यदि बोलते हैं तो हुआ है इम्यूनिटी, हम अपने शरीर की इम्यूनिटी जो है एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके, खान पान पर ध्यान रख के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और यदि इम्यूनिटी अपने शरीर की हाई रहेगी तब यह वायरस भी को भी पछाड़ने में हम कामयाब रहेंगे। और यहाँ तक सरकार की बात है, सरकार सब तरह से हम लोग की सहायता कर रही है, बस हम लोग को उसका मान अनुकरण करना है, अनुसरण करना है। यदि अनुसरण नहीं करेंगे तो घाटा हम लोगों का है, पारिवारिक नुकसान हम लोग का है, और यह फाइनली यदि देखिएगा तो देश का नुकसान हो जाएगा। अतः पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो जितने भी नियम हैं ये सब नियम का पालन करके हम अपने आप को, अपने परिवार को और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि यह भयावह बीमारी तो है लेकिन यदि हम चाहें तो अच्छी तरह अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बिना डरे हुए हम लोग इसको फाइट कर सकते हैं। और आज 26 जुलाई का दिन है जो कारगिल दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में मनाते हैं, क्यों ना इसी दिवस को हम लोग कोरोना विजय दिवस के नाम पर कि कोरोना को हमने हराया, हम लोग एक योद्धा बन के सामने आए और कोरोना को हराएं, और हराने के बाद ही अपना देश विकसित करेगा। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ इस पर ध्यान दें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि मैं आगे भी आपको दूसरा वीडियो लेके आ सकूं। नमस्कार।